हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज और स्वागत है आप सभी का इजी टेक विद पंकज के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अमेज़न ऐप का यूज़ करते हैं और इससे आपने कुछ ऑर्डर कराया है, अब जो ऑर्डर आप रिसीव कर लेते हैं और उसको ओपन करके देखते हैं तो उसमें कुछ डिफेक्ट आपको दिख जाता है, वो कुछ उसमें टूट फूट हुई रहती है या उसका जो आपने मंगाया उसका साइज़ सही नहीं है, कलर सही नहीं है, तो उसको आप रिटर्न कराने की सोचते हैं। अब रिटर्न कराने जब आप सोचते हैं तो पहले आपके दिमाग में आता है कि इसका जो हमने पेमेंट कराया वो तो कैश ऑन डिलीवरी करा हुआ है, और सबसे पहले जब आप रिटर्न कराते हैं सबसे पहली बार, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ आप होते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने कैश यहाँ पर दिया हुआ है जब आपको प्रोडक्ट मिला है। तो आप सोचते हैं जब रिटर्न होगा क्या हमको कैश मिलेगा या किसी और तरीके से हमारा रिफंड यहाँ पर होगा, तो इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आप किसी भी ऐप से यूज़ करते हैं, अब देखिए ऑनलाइन शॉपिंग की आप कोई भी ऐप अगर आप यूज़ करते हैं और उसमें आप कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पर मेथड यूज़ करते हैं पेमेंट का, तो कभी भी आपको जो रिफंड होगा ना वो कैश नहीं मिलेगा, हमेशा ही वो कहाँ आएगा, आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो इसमें जब आप रिटर्न के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, जब आप पहली बार यहाँ पर रिटर्न के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे पूछा जाता है बैंक अकाउंट नंबर और या तो UPI ID, दो चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी जाती है, जिससे रिफंड जो होगा ना आपके बैंक अकाउंट में सीधा सीधा भेज दिया जाएगा, कैश यहाँ कर कभी भी आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें करनी पड़ती है, जब आप देखिए रिटर्न के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं ना, तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर अपना देना पड़ता है या दोस्तों अपनी UPI ID, फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम किसी की भी UPI ID यहाँ पर आप दे सकते हैं जिसको आप चलाते हैं। तो आसानी से आपका पैसा क्या होगा, आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है, कभी कभी तो उसी दिन भेज दिया जाता है या कभी कभी 1 से 2 दिन आपको लग सकते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कैश तो आपको नहीं मिलेगा लेकिन आपका जो रिफंड होगा ना वो सीधे बैंक अकाउंट में आपके आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपके समझ में आ गया होगा, जो प्रोडक्ट आप रिटर्न कराते हैं अगर उसका आपने कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट करा हुआ है तो कभी भी आपको कैश नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर UPI ID और बैंक डिटेल देनी पड़ती है और आपका पैसा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको मिलते हैं यूट्यूब रिलेटेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड नई वीडियो हर रोज। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो बहुत ही जल्द इजी टेक विद पंकज में।